हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमें हमारी लाइफ के गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब कि अगर आप अपने मन से कितने मजबूत हैं, आपके मन से कितना पॉजिटिव है, आपके मन से आप अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को कितना ज्यादा बुलंद रखते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपकी आने वाली जो लाइफ है उसमें किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लेकिन आजकल जो एक बहुत कॉमन समस्या जो हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी ही अपनी स्ट्रेंथ को खो देते हैं, उन्हें कोई चीज पाने की इच्छा होती है और वो अगर उसे अचीव नहीं कर पाते तो बहुत बार वो हताश हो जाते हैं, बहुत बार वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने शरीर का ध्यान रखते रखते अपने मन का ध्यान रखना भूल गए हैं। और मन का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा ये शरीर कितना भी बलवान हो, कितना भी पुष्ट हो, इसका कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मन से शरीर की ताकत बढ़ाई जा सकती है लेकिन शरीर से मन की ताकत नहीं बढ़ाई जा सकती। सो मेक श्योर कि आप सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करें, खुद से प्यार करें कि कोई बात नहीं, अगर कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाए, हो सकता है कि परमात्मा ने आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन की प्लानिंग करके रखी हो, लेकिन अपने मन को आपको कभी भी हारने नहीं देना है। और उसके लिए सिर्फ दो चीजें जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए, वो ये कि सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए कि आपके लिए आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अपने से ज्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, चाहे वो आपका गोल हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद, कुछ समय के बाद अपने आप को खोया हुआ पाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सभी सिचुएशंस, वो सभी परिस्थितियां जिनमें आप अपने आप को थका हुआ फील करते थे, उन्हें बहुत आसानी से क्रॉस कर पाओगे और रिलेशनशिप्स भी आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्वस्थ मन जो है वो स्वस्थ रिलेशनशिप्स को निभा सकता है। और नंबर दो, अगर कभी लगे कि दुख का समय है तो अरदास करना मत भूलिए। और यह याद रखिए कि उस अरदास में, उस प्रार्थना में, उस प्रेयर में विश्वास जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि जब विश्वास के साथ अरदास की जाती है, विश्वास के साथ प्रेयर की जाती है, तो आप यकीन मानिए कि वो प्रेयर्स कबूल होती हैं और उन प्रेयर्स में डेफिनेटली असर भी जरूर आता है। दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों के दिनों में वो लोग जिन्हें अस्थमा रहता है, जिन्हें दमे की शिकायत है या फिर जिन्हें साइनस या नज़ले की शिकायत है, उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस समय पर जब बहुत ज़्यादा कफ हमारे शरीर में बन रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम हमारे शरीर में बनता है, तो हम ध्यान रखें कि किस तरह से हम कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर में बनने वाले इस बलगम की क्रिया को रोक सकते हैं या इसे कम कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक नेचुरल तरीके से बनने वाले एक ऐसे पाउडर के बारे में, जिसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका बलगम भी कम बनेगा, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आपकी नाक खुली रहेगी, और अगर आपको दमा की समस्या है तो आपको पफ्स का या पंप्स का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं साइनस की तो हमें कुछ ऐसे घर में ही चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं हमें साइनस, दमा, अस्थमा और इस तरह की बलगम जैसी परेशानियों में। तो सबसे पहली और सबसे बेहतरीन जो चीज़ दोस्तों हमें मिलती है जो है सौंठ। सौंठ को ड्राई अदरक या सूखी अदरक भी कहा जाता है,
और सौंठ की जो तासीर होती है वो होती है गरम। ये गरम तासीर का होने की वजह से हमारे फेफड़ों में जमा जितना भी कफ है, जितना बलगम है, उसे बहुत आसानी से ये मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारे मुंह और हमारे नाक के रास्ते से बाहर निकल करके आ जाता है। हो सकता है कि जब आप ये पाउडर लेना शुरू करें तो आपको इनिशियली ऐसा लगे कि आपका कफ ज़्यादा बन रहा है, लेकिन एक्चुअली आपका कफ नहीं बनता है, बल्कि आपके फेफड़ों में जमा जो कफ है वो पिघल करके बाहर आ रहा है। तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें यहां पर लेना है लगभग 50 ग्राम अदरक या सूखी अदरक का पाउडर या सौंठ का पाउडर। नंबर दो जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहां पर चाहिए, वो चाहिए पीपली। पीपली जो है वो भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है, बहुत पावरफुल हर्ब है, जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नज़ला, अस्थमा जैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि आयुर्वेद में वर्णित है, उन सब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पीपली के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे म्यूकस को निकाल करके हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन को, मतलब कि ऑक्सीजन के अवशोषण करने की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेफड़ों में हमें बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। इसी वजह से पीपली जो है वो भी हमें यहाँ पर बराबर मात्रा में ही लेनी है। तो हमने 50 ग्राम सौंठ लिया है, 50 ग्राम ही हमें यहाँ पर उसके अंदर पीपली ऐड कर देनी है। नंबर तीन जो चीज़ दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो अपने आप में एक पोटेंट है कि वो हमारे गले को खुश्क होने से बचाती है, हमारी जो खांसी है उसकी प्रॉब्लम से बचाती है, और हमारे जो गले हैं उसको साफ करने में, उसको शुद्धिकरण करने में हमारी मदद करती है। सो काली मिर्च भी हमें यहाँ पर बराबर मात्रा में ही लेनी है। नंबर चार जो दोस्तों इंग्रेडिएंट चाहिए वो चाहिए कद्दू के बीज, जिसको पम्पकिन सीड्स कहा जाता है। पम्पकिन सीड्स के अंदर कैरेटिन प्रोटीन होता है, और ये कैरेटिन प्रोटीन हमारे फेफड़ों तक जाकर के हमारे फेफड़ों को बलिष्ठ बनाने का, उन्हें स्ट्रांग बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े जो कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने अंदर बहुत ज्यादा गंदगी भर लेते हैं, बहुत ज्यादा म्यूकस भर लेते हैं, वो बहुत अच्छे से खाली हो जाते हैं, और जब ये खाली हो जाते हैं तो इनकी वजह से हमारे फेफड़ों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें यहां पर मिलते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसे भी यहां पर बराबर मात्रा में, मतलब 50 ग्राम ही लें। इन चारों चीजों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। आपने अभी तक लिया है 50 ग्राम सौंठ का पाउडर, 50 ग्राम पीपली, 50 ग्राम अपने लिए है काली मिर्च, और 50 ग्राम अपने लिए है कद्दू के बीज। इन चारों चीजों को मिला करके अच्छे से आप पाउडर बना लीजिए, और जितना बारीक पाउडर आप बना सकते हैं उतना बारीक पाउडर आप यहां पर तैयार कर लीजिए। इस पाउडर के बनने के बाद अब आपको एक फ्राइंग पैन लेना है, जिसके अंदर बिना घी, बिना मक्खन के आपको इस पाउडर को हल्का सा सेक लेना है, हल्का सा भून लेना है। जब आप इसे सेक लेते हो या भून लेते हो तो इसके अंदर जो भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और भी ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये बहुत जल्दी असर करना शुरू कर देते हैं। सो जब ये अच्छे से भुन जाए, अच्छे से ये सिक जाए, अब इसे एक एयरटाइट डब्बे में भर के आपको रख लेना है, और रोजाना दिन में दो बार सुबह उठने के लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और रात को तुरंत सोने से पहले आपको आधा आधा चम्मच इन पाउडर्स का लेना है, और इसके अंदर मिलाना है शहद। शहद ऑर्गेनिक ही लें, तभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और शहद मिला करके अच्छे से इसका एक पेस्ट जैसा बना लें, और इस पेस्ट को आपको बहुत अच्छे से चाटते हुए अपने दिन भर में इसे कंज्यूम करना है। तो दिन में दो बार आपको कंज्यूम करना है, सुबह नाश्ते से पहले उठने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर, और रात को सोने से तुरंत पहले। इसे लेने के बाद अगर आप आधा ग्लास या एक ग्लास अगर गर्म दूध पी लें तब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इस पाउडर के आने वाले हैं। इन पूरी सर्दियों में आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको दमा नहीं भी है, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ रहता है, तो भी आप इसे शामिल कीजिए, आपके बहुत अच्छा फर्क देने वाला है। सो मेरे कहने से इस पाउडर को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, और फिर सर्दियां जाने पर हमें रिजल्ट्स जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार जिस तरह से आप हमें देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, और आपको अगर ये वीडियो कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।